फॉर्म इज फर्देड एग्जाम जो लोग अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं जो लेट जागे हैं वेरी गुड ट्रायल फॉर दो जी जिसने फॉर्म भर दिया है वेरी गुड जी जिसका फॉर्म नहीं भर पाया या दो फॉर नेक्स्ट ईयर आप आराम से ये एग्जाम uh, दे सकते हो द रजिस्ट्रेशन फॉर द सी टी एम बी सी टी एक्सटेंडेड टिल मे इलेवन

या नॉन कैट एग्जाम पहले पब्लिक कैट पे जम मारता है कैट के बाद कैट नॉन एग्जाम इफ यू गिव टी का एग्जाम द बेस्ट पार्ट इज हमारा पहले लेवल थोड़ा इजी हो गया एंड देन आई एम प्रिपेरिंग फॉर द कैट एग्जाम या तो सीई टी कैन एक्ट द गुड ट्रायल ठीक है ये एग्जाम होगा अगस्त में एंड कैट अपना एग्जाम होगा नवंबर में ठीक है सो फेज वन

ओके देन वी गो फॉर द कैट एग्जाम अदरवाइज सीई का फॉर्म जिस जिससे नहीं भरा जिसको लगता की सी टी बहुत इजी है सी इजी नहीं है भैया कैट एक लाख अस्सी हजार लोगों ने दिया था लास्ट ईयर सी टी एक लाख बत्तीस हजार लोगों ने दिया था वन लाख थर्टी टू थाउजेंड विच इज नॉट लेस इस बार ऑलरेडी एक लाख कितनों ने फॉर्म भर दिया मैंने आज ही वीडियो डाला यार मैं खुद भूल गया ठीक है थीके? अभी जो एक्सटेंड हो गया एक हफ्ता शायद और लोग अप्लाई करेंगे मे, मे मेरे ख्याल से सीई का नंबर विल टच वन लैख थर्टी थाउजेंड एक लाख छब्बीस हजार थैंक यू अभी फॉर दैट वन थर्टी था आजू बाजू नंबर टच हो जाएगा एंड कैट इज वन एटी कैट इज ऑल इंडिया महाराष्ट्री वन कैन ट्राई फॉर दैट अभिजीत अपने पास है उल्टा सीई टी कॉम्पिटिशन और ज्यादा yes. हमारे पास एक लास्ट ईयर एक लास्ट ईयर

तो जो कैट मतलब जो कैट दो जो साथ दो साल से कैट दे रहा है दो दो साल जो, जो सीटें वगैरह मैं मैं क्या जॉब छोड़ दो अभी बिना एक महीना पढ़ के तो सी ही ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम्स ठीक है ऐसा नहीं कि खाली रातों रात पढ़ा एक मंथ में एग्जाम निकाल लिया तो राइट नाउ यू गॉट हंड्रेड डेज का टाइम यू कैन ईजली क्रैक इट एडमिशन जे भी फाइन देन कैट नहीं दिया कैट में फिर स्कोर कम आया उसका जो जो भी था उसका सो यू नेवर नो क्या क्रैक हो जाए सो एज अ ट्रायल वी कैन गिव द एग्जाम सो दिस इज द ब्रेकिंग न्यूज एज ऑफ नाउ की सीई टी का डेट इज एक्सटेंडेड तो जिस जिसने अभी नहीं भरा फॉर्म दे कैन नाउ अप्लाई ऑल द बेस्ट